ये अरोना टैंक में हमने कैसे फिल्ट्रेशन किया इसके बारे में बहुत लोगों ने कमेंट्स में डाला था, तो इस वीडियो में हम ये टैंक का फिल्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे इन डिटेल। आइए वीडियो के अंदर चलते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और मेरा चैनल का नाम है फ्रैपर एक्वा हिंदी। पिछली बार हमने एक वीडियो डाला था, ये जो हमारा 450 लीटर का मास्टर टैंक हमने जो बनाया था इसका पूरा डिटेल वीडियो हमने दिखाया था, जिसमें हमने पूरा टैंक का सेटअप और कैसे हमने शिफ्ट किया अरोना को और डिटेल सब लाइटिंग का सब हमने दिखाया था। लेकिन फिल्ट्रेशन के बारे में उतना डिटेलली बात नहीं किया था, तो बहुत लोगों ने पूछा था कि इसमें फिल्ट्रेशन आपने कैसे किया करके, तो इसलिए ये एक छोटा सा वीडियो हम डाल रहे हैं। तो आइए इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया, तो आप वीडियो के अंदर चलते हैं। ये जो हमने इस टैंक में हमने एक टॉप फिल्टर प्लान किया, तो ये बेसिकली हमारा एक ड्राइंग हमने बनाया था। तो पंप से पानी स्पॉन्ज फिल्टर स्पॉन्ज मीडिया के पास जाके उसके बाद बायोलॉजिकल मीडिया में जाके लास्ट में K1 मूविंग बेड फिल्टर के थ्रू वापस टैंक में आएगा। सो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए एक ड्राइंग हमने बनाया था। सो वही है ये। हमने इस सम्प को एक्चुअली टॉप में 10mm ग्लास से बनाया। इसका डेप्थ जो है 6 इंच है और इसका मेन सपोर्ट जो है हमारा मेन फिश टैंक का साइड ग्लास के लिए साइड ग्लास में ही बैठा है इसको। तो ओवरऑल एक 60-70 लीटर पानी पकड़ता है इसके ऊपर, और पानी जाने के लिए हमने 2 आउटपुट भी रखा है बाहर पानी वापस आने के लिए टैंक में। तो ये एक ग्लास का पीस हमने रखा है, ग्राउंड से थोड़ा ऊपर रखा है इसको। इसको हमने क्यों ऊपर रखा है मैं थोड़ी देर में एक डिटेल में वीडियो एक्सप्लेन करूंगा मैं। अगला जो है पंप हमने जो यूज किया है वो सनसन का HQB 2500। इसमें 2000 लीटर्स पर आवर का आउटपुट है। बेसिकली बहुत अच्छा क्वालिटी का पंप है ये। इसके अंदर एक्चुअली 2 वाल्व्स जैसा पाइप्स दिया है उन्होंने आउटपुट के लिए, नीचे डालने के लिए बुशेस भी दिए हैं, और थोड़ा हेवी वाला पंप है। तो मैं अपने डिस्कस टैंक में इसका एक छोटा वाला पंप बहुत साल से यूज कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 2 ईयर से यूज कर रहा हूँ, और अच्छा वाला हेवी ड्यूटी पंप है। 24/7 काम करने के लिए बहुत ही अच्छा वाला सनसन का ये पंप। ये पंप को हमने एक 8 इंच ऊपर के लेवल में फिक्स किया, क्योंकि अगर पंप फेल हो गया, नहीं तो ऊपर का पाइप निकल गया, कुछ भी हो, ऐसे इक्विपमेंट्स कभी भी फेल हो सकते हैं। और जब भी हम घर पे हैं तो कुछ कर सकते हैं, अगर हम घर पे नहीं हैं तो अगर ऐसा फेलियर हो गया तो टैंक पूरी तरह से खाली नहीं होगा, और हमेशा 8 इंच का ये एक लेंथ पूरा पानी ये टैंक में रहेगा, और इसके लिए बैकअप, इसी के कारण हमने पंप को ऊपर रखा है। सो देयर इज़ नो, कुछ भी फेलियर होगा तो भी फिश के लिए पानी हमेशा टैंक के अंदर रहेगा, इसलिए एक बैकअप प्लान है। पंप को फिक्स करने के बाद इसका एक प्रेशर टेस्ट हमने किया था मीडिया सब डालने से पहले। सो कोई भी सम्प आप बनाओगे तो एक एक सेक्शन में ऊपर से नीचे जाके पानी वापस आने का है, तो उसका उसके लिए हमको हमेशा वो टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा 3 सेक्शन के बाद फाइनली वो पानी जो है हमारा टैंक में वापस अंदर जाएगा। तो पहला सेक्शन में हमने ये फिल्टर फ्लॉस जैसा वाइट कलर स्पॉन्ज जो बहुत ही कॉटन जैसा मटेरियल है इसको हमने यूज़ किया। सो दैट इज़ जो ये जो है हमने पहला वाला सेक्शन में डाला है इसको। इसके बाद जो हमारे किचन के वेसल्स को वॉश करने के लिए यूज़ करने वाला स्पॉन्ज, ये प्लास्टिक का एक स्पॉन्ज है, बहुत ही अच्छा एक मैकेनिकल फिल्ट्रेशन है ये, तो ये कॉमनली अवेलेबल है सभी दुकानों में। तो इसमें बहुत सारे लेयर्स है, तो इसकी वजह से वो सभी जो डर्ट जो टैंक से अंदर आता है वो सब वो पकड़ लेता है, तो इसलिए हमने ये स्टार्टिंग में ही इसको यूज़ किया इसको, तो जो भी टैंक में डर्ट आएगा वो ये पकड़ लेगा। उसके बाद इस दोनों के ऊपर, इस 3 स्पॉन्जेस के ऊपर हमने वो वाइट वाला फिल्टर फ्लॉस ऊपर रखा है। अगला सेक्शन में हमने जो यूज़ किया है वो ये वाला ब्लू कलर का ये थिक स्पॉन्ज है, ये बहुत ही अच्छा वाला मैकेनिकल फिल्ट्रेशन है ये। तो इसका एक 3-4 लेयर हमने वो जो सेकेंड सेक्शन में हमने इसको डाला है, और इस सब स्पॉन्जेस को पकड़ने के लिए हमने एक छोटा सा ग्लास का पीस यूज़ किया है, और
क्योंकि जब पानी का प्रेशर ज़्यादा होता है तो ये स्पॉन्ज ऊपर आने का चांस है, तो इसकी वजह से हमने ग्लास का पीस रख के उसको दबाने के लिए एक ग्लास का पीस दोनों जगह पे हमने ग्लास रख के उसको प्रेस किया है, तो जब पानी का प्रेशर आएगा तब ये उठेगा नहीं, तो वो अच्छी तरह से फिल्ट्रेशन बराबर आएगा। तब लास्ट सेक्शन में हमने बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन के लिए, ये हमारे पुराने टैंक में था, बहुत सारे मीडिया मिक्स्ड है, इसमें क्ले वाला क्ले रिंग्स है, एडीए बायोरियो है और बहुत सारे दूसरे मीडिया सब मिला के एक बैग में डाला है इसको, तो ये ऑलरेडी हमारे पुराने टैंक में ये मीडिया ऑलरेडी एस्टेब्लिश मीडिया था, तो उसी को हमने ये लास्ट सेक्शन में डाला है। इसके बाद हमने ये नियोसॉफ्ट का एक दूसरा बायोलॉजिकल मीडिया एक पैक में हमने डाला है। सो जब भी आप बायोलॉजिकल फिल्ट्रेशन मीडिया जब डालेंगे तो पहले आपका पहले वाले जहाँ पे पानी आपके टैंक से वापस आ रहा है उसमें हमेशा स्पॉन्ज रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्पॉन्जेस में वो डर्ट जो भी आ रहा है टैंक से वो सब वो स्पॉन्ज पकड़ लेगा, और सिर्फ क्लियर पानी बायोलॉजिकल मीडिया के अंदर जाना चाहिए, तभी बायोलॉजिकल मीडिया उसका काम बराबर से करेगा। अगर वेस्ट सभी बायोलॉजिकल मीडिया में आ गया तो उसका जो नाइट्रोजन साइकिल का जो वो अमोनिया का वो सब ब्रेक डाउन करता है वो सब नहीं काम नहीं करेगा बराबर से, इसलिए हमेशा क्लियर पानी ही बायोलॉजिकल मीडिया के अंदर आना चाहिए। उसके बाद में जो है पानी उधर से पास होके फाइनली हमारा आउटपुट सेक्शन में नीचे में K1 मीडिया के अंदर रिटर्न होगा टैंक के अंदर। तो ऐसा हमने दो होल्स दिए आउटपुट के लिए, एक जो नॉर्मल लेवल में है वो डायरेक्टली K1 मूविंग बेड फिल्टर के अंदर जाएगा क्योंकि उसमें मैक्सिमम प्रेशर आएगा, एक और जो बैकअप वाला होल है उसमें हमने क्या किया, जो पाइप है उसको थोड़ा लेंथ थोड़ा बड़ा के रखा है, क्योंकि अगर K1 मीडिया का सेक्शन में कुछ ब्लॉकेज हो गया तब एक इमरजेंसी के लिए एक एक और थोड़ा हाइट में रखा है जैसे आपने दिखाया इसमें, तो तब ओवरफ्लो नहीं होगा, सो इसलिए हमने दो होल्स डाला है आउटपुट में। तो आप देख सकते हैं कि K1 मीडिया वो एक एक होल से आने की वजह से बहुत अच्छी तरह से मूवमेंट उसका हो रहा है, K1 फिल्टर हमेशा इतना अच्छा मूवमेंट रहने से ही उसका काम बराबर से काम करेगा वो। तो आपने ये वीडियो देखा, आपको कैसा लगा इसमें डेफिनेटली कमेंट कीजिए, उसके कमेंट के हिसाब से हमको भी एक फीडबैक मिलता है कि आपको ऐसा वाला कंटेंट अच्छा लगा कि नहीं। तो हमारे दूसरे 4 लैंग्वेज का भी चैनल्स हैं जिसमें हम जिसमें हम तमिल, मलयालम, इंग्लिश और कन्नड़ा लैंग्वेजेस में हम वीडियो करते हैं, तो उसके चैनल का लिंक्स भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो अगर आपको दूसरे लैंग्वेज में ये कंटेंट देखना है तो डेफिनेटली वो चैनल्स में जाके आप चेक कर सकते हैं। तो अगले वीडियो आने आने तक बाय। ओके।